अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ तमाम फ्रेंड बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मैक्स शहजादी और आप देख रहे हैं मैक्स शहजादी। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैंने इंटरव्यू देने जाना है, तो हम ना पार्क में एक में आ चुके हैं। तो मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ। एक यूट्यूबर है, एक इंटरव्यू लेने वाला भाई है, और ये भी यूट्यूबर है। ये सब खुद अपना नाम वगैरह और सारा इंट्रो बता दो। मेरा नाम बिस्मा है और मुझे मैं टिकटॉक बनाती हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं भी इसके साथ जाकर टिकटॉक बनाऊँ, इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका, तबीयत कैसे है? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सिस्टर आज हमारे पास आई हैं और आई थिंक सो इनके कैरियर का आज पहला इंटरव्यू होगा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ, इंटरव्यू लेना भी इसी भाई ने है। हाँ, इंटरव्यू भी मैंने लेना। नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम जी नवीद अली है। आप सिस्टर की तरफ आए, सिस्टर आप भी अपने चैनल के बारे में कुछ बोल दें, नाम वगैरह। अच्छा, ये मतलब बहुत बहुत अच्छी फैमिली आई हुई इन लोगों को, हमने इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया क्योंकि हम ना मुन्ना खान आपी के पास गए हुए थे, तो वहाँ पर थोड़ा खाना पीना करते करते ना लेट हो गई थी, तो इनको इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा करवाया। पहले पीते हैं चाय तो फिर इंटरव्यू दूँ उनकी, तो मैं अपने व्लॉग में शामिल करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है सब। जिन्होंने बहुत ही कलील टाइम में 1.9 मिलियन 19 लाख फॉलोअर मुकम्मल किए हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि इनका यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक भी है, मैक शहजादी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जितना भी हमने इनका इंटरव्यू किया तंज व मज़ा से भरपूर, इनकी मर्ज़ी से क्या, आपकी मर्ज़ी से क्या ना। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को मतलब छोटे छोटे मैं क्लिप अंदर डालूंगी, अगर कोई गलती हो तो आप लोगों ने बता नहीं है, वैसे इंशाल्लाह मैं तो अपने दिल से सही करूँगी। दिल मेरा ना मतलब जब कि मैं लाइव टिकटॉक पे आई हूँ ना, तो मेरा पहला इंटरव्यू है, तो इंशाल्लाह आप लोग ने दुआ करनी है कि अच्छे से अच्छा जाए, ठीक है? और आगे देखते हैं क्या होता है। वालेकुम सलाम, महक शहजादी खुश पुरानी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैक मुझे ये बताएगा कि कितने अरसे से टिकटॉक बना रही हूँ? मुझे सिर्फ 3 मंथ। 3 मंथ हो गए, और सबसे पहले आपकी कौन सी वीडियो वायरल? मेरी एक सरते शरीक, तो वैसे ही सरते हैं, तो एक सॉन्ग निकला था उस वक्त सरदा शरीक चला, सरदा रवे सराइकी में, तो उस पर माशाल्लाह मेरे ना 1 या 2 दिन में 1.2 मिलियन हुए थे, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी। अच्छा, मैक मुझे ये बताएगा कि लोग बड़ा टाइम लगा देते हैं वायरल होने, आप आते ही छा गए, राज क्या है इसमें? माशाल्लाह शायद मेरा लक किया अच्छा था, और माशाल्लाह मेरे माँ बाप और सबकी सपोर्ट भी थी और दबाव भी थी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब तक अप्रॉक्सीमेटली आपकी टिकटॉक पर कितनी वीडियो है? मेरी तकरीबन 200 वीडियो है। अच्छा, 200 वीडियो है जी। आप चूँकि 1.9 मिलियन 19 लाख फॉलोअर कैसे संभाला हुआ? तो इनके साथ ना आंटी भी आई हुई हैं, तो इनकी फुप्पो है, अम्मी तो नहीं है, अम्मी क्यों नहीं? मेरी अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी और अबू की भी, दोनों की तबीयत सही नहीं थी। तो आप लोग सब लोगों ने ना दुआ करनी है कि इनकी अम्मी और अबू को अल्लाह जल्द से जल्द सही कर दे, और फुप्पो भी इनकी इनकी फुप्पो साथ बैठी हुई है। मेरी फुप्पो तो आती नहीं है, सीधी सी बात। फैमिली को बहुत बहुत राज़ी किया मतलब यहाँ पर आने के लिए, तो माशाल्लाह सब मान गए, भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, अब्बी अम्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और माशाल्लाह आज मैं यहाँ तक हूँ। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से होती है? वो मेरा भाई है। अच्छा, तो आपकी वीडियोज़ कौन बनाता है, कैमरामैन कौन होता है? वो माई सिस्टर। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि मैं जब आप टिकटॉक पर आई हैं तो फैमिली के अलावा जो और गांव के लोग थे या दोस्त थे उनकी जानब से स्टार्ट में कैसा फीडबैक था और अब क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में शुरू से तो बोलना कम किया था, तो अब भी बस कोई नहीं है। अच्छा। मतलब माशाल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट है और मुझे किसी की नहीं चाहिए, जो बोलते हैं ना मेरे ख्याल में तो उनको बोलने देना चाहिए। यहाँ पर आगे निकलने के लिए ना टिकटॉक पर किस तरह का कंटेंट होता है? एक स्पीकिंग और एक मैं विलेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गाँव में रह के ना वीडियो वायरल नहीं होती, और माशाल्लाह मैं गाँव में रह के मेरे इतने 1.9 मिलियन। अच्छा, 1.9 मिलियन 19 लाख फॉलोअर, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से फॉलोअर हैं, कैसे संभाला हुआ है?
माशाल्लाह इसके संभालने में मेरी फैमिली का भी वो है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं अकेली नहीं संभालती। अच्छा जी, अच्छा मैं मुझे ये बताएगा कि मैं ना उन फैमिली की सपोर्ट भी होनी चाहिए और सेकंड बात वो जब आए ना तो वो थोड़ी अपने विलेज को या जो जहाँ पर रहती हैं उन चीज़ों को ज़्यादा दिखाएं और वो अपना एक प्यारा सा वो करें कि ताकि उनको लोग लाइक करें, ये नहीं कि ख़राब वीडियोस ना बनाएं, प्यारी प्यारी वीडियो बना के लोगों को अपनी तरफ। फैमिली उनकी सपोर्ट करे और कैमरे से कोई निकाल नहीं लेता क्योंकि वो आप लोगों ने कैमरे के पीछे खड़ के ही बनानी है। आप लोग ऐसी वीडियो बनाएं कि लोग आपसे मतलब हर रोज़ाना देखें, प्यारी प्यारी वीडियो बनाओ, अपनी तरफ लोगों को लेके आएं ताकि वो हर रोज़ाना आएं, वीडियो को लाइक करें और आपकी वीडियो को देखा करें। अपना मेयार भी यहाँ वो कर दोगे। और सेकंड बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं ना 1.9 मिलियन हो गए हैं, आप मेरे अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। आज तक मैंने किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाई माशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा जहन है कि इंशाल्लाह मैं कभी बनाऊँगी भी नहीं। वाले और देखने वालों को मेरा ये पैगाम है, जो मेरे शरीक देख रहे हैं ना उनको ये है कि सड़ते रहो क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा होगा कि आप लोग बस आगे कुछ नहीं कहते। आगे तुसी खुद समझदार हो। सही है, सही। अच्छा मैं मुझे ये बताएगा, अब तो माशाल्लाह स्टार है, घर के काम आप भी करते हैं या नहीं करते? या तो मैं टिकटॉक वीडियो बनाती हूँ और दूसरा मेरा काम है सोना, क्योंकि जब मैं समझो टिकटॉक नहीं बना रही तो मैं सो रही हूँ। ये घर के काम मेरे सब घर वाले ही करते हैं, मैं सिर्फ हेडमास्टर हूँ। अफसर लग गए घर जी, मैं घर का हेडमास्टर, छोटा हेडमास्टर। ठीक। अच्छा जो मुझसे फैमिली मिलने आई थी ना वो ये बैठी हुई है, इनकी फैमिली का नाम है महक शहजादी, महक व्लॉग, सॉरी मैं अपना नाम बता गई हूँ। और ये आए हुए हैं, आप लोग खुद वो करवा दें। और ये मेरी फूफू है और ये मेरा कज़न है। अच्छा बात सुनी सीधी एंड सिंपल, पीछे करके कह रही हूँ कि क्या होता है मेरे आपसे कम है, इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे मेरे टिकटॉक पे ज़्यादा इंशाल्लाह। तो आंटी आप बताएं आपका क्या हाल है? भाई आप भी सुना दे, आप तो ऐसे चुप कर दिए कि ऐसे किसी ने मार दिया हो, कुछ नहीं होता। नहीं शर्माने से कुछ नहीं हो जाएगा, बोल ले। अस्सलाम वालेकुम ही करते वो इन्हें शर्म आती है, ये चले गए। वो हुआ बस, ये आपने वो क्या नाम है पठानी, तो ये सब मेरे पास आई हुई थी, इनको मैंने इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा करवाया, आपको इंतज़ार करके कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि हम ना जहाँ पे गए हुए थे ना उन लोगों को टाइम ना देते ना तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा बुरा मान जाते, और माशाल्लाह वो मेरी बहुत बहुत अच्छी आपी हैं तो उनके पास मैं गई हुई थी। अच्छा क्या होता है, ये भी घर जा रहे हैं और हम भी घर जा रहे हैं, तो इनसे मिल के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आप भी आंटी बता दें आपको मेरे से कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर इनको भी अल्लाह हाफिज़ करते हैं और व्लॉग का भी एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो ओके अल्लाह हाफिज़।